बेटा जब तक शादी नहीं हो जाती यहीं रह, फिर चाहे तो अपने हस्बैंड के साथ चली जाना अब्रॉड। Have you come to Oliver before? Once with a friend. Looks like a good place. Will you order a spaghetti primavera for me, please? I'll be back in a minute. Order, ma'am. एक स्पगेटी प्रिमावेरा और एक पास्ता बार्बारेस्का। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या ऑर्डर करूं। गो फॉर पास्ता बार्बारेस्का, मेरा फेवरेट है। ओके। दो बार्बारेस्का। एनीथिंग एल्स? ना। ड्रिंक्स? नहीं, नॉर्मल पानी। तो क्या सोचा तुमने? आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज्ड। नीता, तुम मुझे 4 साल से जानती हो। वी गेट अलोंग सो वेल, लेट्स गेट एंगेज। ट्रस्ट मी, वी विल मेक अ ग्रेट कपल। आई नो, बट माय मॉम वोंट अग्री। तो कन्विंस हर ना। ओके। अरे अभी तो तेरी पढ़ाई खत्म हुई है, थोड़े टाइम नौकरी कर, फिर हम तेरे लिए लड़का देखना शुरू करेंगे। पर माँ, समीर इज अ ग्रेट गाय है और आप तो उसे अच्छा प्लेसमेंट भी मिल गया है, और पूरी इंजीनियरिंग में मैंने उसको देखा, देयर आर मेनी मोर बेटर देन हिम। अरे दुनिया भी अपनी कास्ट के लड़के देखे ही कहाँ है, एक से बढ़ के एक है, तेरा समीर फीका पड़ जाएगा सबके सामने। What did you order? Pasta Barbaresca. Okay. So, what is your decision? I think I would like to continue in India only. Are you sure? बहुत कम लोगों को इतनी कम उम्र में ये पोजीशन मिलती है, वो भी सिलिकॉन वैली में। It will be great for your career. घर का प्रॉब्लम है। Basically, my mom wants me to get married and then go abroad. Oh, this is insane. एक बार शादी हो गई तो और भी दिक्कत है। अभी you are a free bird. This is the time to go. मैं बात करूं मॉम से? नहीं, I'll talk to her. I don't want to know for an answer. ये मुंबई इंडियंस को कोई चीज आराम से नहीं करना है। जब तक पानी नाक तक नहीं आता ये लोग खेलते कहाँ हैं? तू कैंपस इंटरव्यू अटेंड कर रहा है? नहीं, मैं पापा को ज्वाइन करूंगा। तेरा ना यही है, एकदम कंफर्ट जोन में रहता है। अरे कुछ सा खुद एक्सपीरियंस ले, अच्छे कॉलेज से एमबीए कर, पर तू यही पापा का सेटल बिजनेस संभालेगा और उनके सेटल फ्रेंड की बेटी से शादी करेगा। अच्छा ये सब छोड़ो, मौसी का फोन आया था, बरोड़ा वाले लड़के के बारे में पूछ रही थी। माँ, मैं बरोड़ा कैसे जा सकती हूँ? वहाँ मुझे इससे आधी सैलरी में भी नौकरी नहीं मिलेगी। और उस लड़के को भी अगर आना है ना, प्रोग्रेस करना है ना आईटी में, तो उसे भी यहाँ पुणे या बॉम्बे आ जाना चाहिए।
अच्छा तो वो अपनी सारी फैमिली को छोड़ के तेरे लिए घर जमाई बन जाए। सच्ची कभी कभी तो लगता है तुम लोगों को अच्छा पढ़ा लिखा के बहुत गलती करती। ठीक तो वो ही होता जो तू बीए करती और सीधे सीधे ग्रेजुएशन के बाद तेरी शादी कर देते हम। अच्छा तो अब आप मुझे खाना खाने देंगी या नहीं? नहीं बेटा तू खाना खा, बस मैं ये कह रही हूँ इतनी आसानी से मना मत कर। और तुझे तो पता है अपने यहाँ के लड़के अपने से कम पढ़ी लिखी कम उम्र की लड़की से शादी पसंद करते, और तू तो प्रोजेक्ट मैनेजर बन गई है, अब इससे ज़्यादा क्वालिफाइड लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। तो थोड़ा सोच, इतनी जल्दी मना मत कर। ठीक है, एक बार शादी हो गई तो और भी दिक्कत है। अभी यू आर अ फ्री बर्ड, दिस इज द टाइम टू गो। अरे तूने अभी अपनी कास्ट के लड़के देखे ही कहाँ हैं? एक से बढ़के एक हैं। तेरा जमीन फीका पड़ जाएगा सबके सामने। नीता तुम मुझे 4 साल से जानती हो। We get along so well. Let's get engaged. Trust me, we will make a great couple. तू तो प्रोजेक्ट मैनेजर बन गई है। अब इससे ज़्यादा क्वालिफाइड लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। पता नहीं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने छोटे भाई से जेलस फील करती है। वो इतनी कम उम्र में जल्दी सेटल हो रहा है और ये अभी तक शायद स्ट्रगल कर रही है। तुझे पता है मैंने तेरे पापा से पहले ही कह दिया था हम लोग तेरे ऊपर अमित से डबल खर्चा करेंगे। पूरे 50 लाख जमा करे हैं तेरे पापा ने तेरी शादी की। इतना पैसा था तो आप मुझे अब्रॉड एमबीए करने भेज देते। 50 लाख का दूसरों को खाना खिलाने का क्या फायदा? नीता आजकल ना तेरे लिए कुछ भी सोचो तुझे पसंद ही नहीं आता। क्या हो क्या क्या है तुझे? माँ आप मेरे लिए सब गलत ही सोचती। बहुत डिफिकल्ट लड़की होती जाएगी वो तो। हमने तो अपने पेरेंट्स को कभी इतना परेशान नहीं किया। पूछ लो आज भी अपने नाना जी से, अगर उनको किसी ने सबसे कम तकलीफ दी है ना तो वो मैं हूँ। माँ अगर आपकी डेफिनेशन में पढ़ाई पूरी करने से पहले ही शादी कर देना, माँ बाप से बिना कुछ कहे उनके पसंद के लड़के से शादी कर देना, तकलीफ नहीं देना है तो आई एम सॉरी, बट नाना जी टाइप खुशी मैं आपको नहीं दे सकती। नीता बहुत एरोगेंट हो गई है तू। दूसरों के हिसाब से नहीं चलना अगर एरोगेंस है तो आई एम हैप्पी टू बी एरोगेंट। और मैंने डिसाइड कर लिया है कि यूएस की असाइनमेंट मैं लूंगी। आपको मुझे घर से विदाई करना है ना? दस बजे हमें निकलना है, तेरा हो जाएगा ना तब तक? हाँ पापा। गुड। किसी अंग्रेज के चक्कर में मत पड़ जाना, वहां अपनी कास्ट के बहुत लड़के हैं।